निकले हैं चौकी धानी के लिए है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चौकी धानी। तो ये है चौकी धानी, तो अभी देखते हैं अंदर कैसे है। एक्चुअली सैटरडे संडे मैंने सुना है बहुत रश होता है, अभी इतना रश नहीं है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो जो टाइम मिला है वहाँ पे घूम लेते हैं। लेट्स सी, चलो आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ। सोना है पकड़ो बेटा, देखो यहाँ देखिए ये गाइस, ये एंट्री है पूरा यहाँ से। और ये जो है ना, यहाँ पे रिसोर्ट वाली बुकिंग होती है 1300 में, आपको कैंडल लाइट डिनर एंड रिसोर्ट में होता है पूरा। और यहाँ पे होता है 800 वाला एंट्री एडल्ट का, और किड जो 3.5 फीट तक है, 2.5 से 3.5 फीट, उनका 500 रुपीज़ है। और मेरे बेटे के जितने किड्स जो है उनका फ्री है। तो ये है एंट्री, यहाँ का एंट्रेंस है ये। यहाँ से हम लोग एंट्री करके आए हैं। हाँ हाँ, और यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री। तो ये अभी बन रहा है क्या? ये खाने का है। अच्छा, ये खाने का है। ओके, ये खाने का एरिया है, डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो गाइस मैं आपको लेडीज वॉशरूम भी दिखा दूँ, बहुत क्लीन है, अच्छा है, नॉट बैड। क्योंकि हर किसी को यही प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम क्लीन होगा कि नहीं, बट क्लीन है, लिटरली अच्छा है। अभी एंटर किया है, सारा एक्सपीरियंस तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेट्स सी, हेलमेट अच्छा लग रहा है मेरा। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो ऊपर ऊपर टॉयलेट बहुत साफ था। अभी जेंट्स वाला कर भी रहा, जेंट्स वाला नहीं साफ था। तो यहाँ पे वेलकम ड्रिंक है फ्री में, बाकी सबके चार्जेस है। चलो वेलकम ड्रिंक में जलजीरा है, और यह सीजन के हिसाब से चेंज होता है। ठंड में क्या होता है? रबड़ी। ठंड में होती है रबड़ी, और गर्मी में होती है जलजीरा। छाछ रखना चाहिए आप लोग, छाछ रखना चाहिए जलजीरा के बजाय। यहाँ पे कोला अवेलेबल है, चाय एंड पकौड़ा अवेलेबल वहाँ पे है गाइस, सबके चार्जेस है। कितने का एक गोला? ओके, तो 20 रुपीज़ का गोला है आपके लिए। चाय बोलो। चलो मैं मेरे हस्बैंड के लिए चाय बोल। चाय कहाँ आप मिलेगी? एक कप चाय, पकौड़ी कैसा प्लेट? एक प्लेट टोकन देंगे आपको। अच्छा, टोकन देंगे, अच्छा ठीक है। एक चाय, एक कप चाय और एक प्लेट पकौड़ी। तो अभी है मेरे हस्बैंड चाय और पकौड़ा खाने वाले। चाय इतनी है, बताइए बेबी, चाय बताइए कितनी सी है। ये है इतनी सी चाय, 20 रुपीज़ की, कुल्हड़ वाली ये। अब टेस्ट कैसा है पता नहीं, मेरे हस्बैंड ही बताएंगे। बेबी ये लो, भजिया खा के देखते हैं। ओ माय गॉड, अच्छे गरम गरम।
शक्ति नहीं मरा, सीधे सीधे से बैठ के खाओ। रोज वाला लिया आपने गोला? हाँ? रोज बोला लिया आपने? ऐसे ही बोला, सब लोग को दे रही है, यही का डब्बा, सब लोग को यही दे रही है। पकौड़ी अच्छी है। प्लेस काफी बने हुए हैं, आप काफी जगह जगह बैठ बैठ के आराम से घूम सकते हो। सो गाइस, चाय, पकोड़ा एंड गोला तीनों भी 20-20 रुपीस का था। एंड चाय इतनी खास नहीं थी और गोला भी इतना खास नहीं था, पकोड़ा अच्छा था, मतलब काफी अच्छा था। तो सुहाना अभी झूला झूल रही है और इसका चार्ज है 20 रुपीस पर पर्सन क्या, पर किड। ये हाथ से ही करेंगे। हानो बेबी, सुहाना फाइनली स्टापू खेल रही है। सुहाना है ना, सुहाना लव स्टापू। माही गो प्ले विद दीदी। सुहाना झूले में जाना है उसको। यहाँ पे पूरा गांव का कल्चर दिखाया है, जैसे पानी वानी भरते हैं, क्या है एग्जैक्टली, पूरा मूर्ति बनाई हुई है। अब हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे डांस चल रहा है दो जगह, वहाँ पे दोनों तरफ जाते हैं। चलो आओ, देखो ऊंट की सवारी भी है। आई थिंक 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ है कुछ, मैंने पूछा नहीं क्योंकि ना सुहाना को करना है ना मुझे करना है। बेबी भीड़ बढ़ आ रही है, भीड़ आ रही है, घोड़ा सवारी भी है यहाँ पे। तो सुहाना फुल मजे ले रही है, फुल ऑन मजे। मैं डर गई। तो यहाँ पे भी पूरा ये गांव जैसा कल्चर बनाया हुआ है, पूरा गांव जैसे घर बनाया हुआ है। चलो डांस खेले जाते हैं, चलो डांस खेल जाएंगे। तो देखना तुमको करना चाहिए। टाइप लग रहा है, देखते हैं क्या है, लेट्स सी। जाने से मुझे खुद ही डर लग रहा है। वॉशरूम ही क्लीन था गाइस, बाकी सब प्रॉपर्टी है ना, सब डस्ट डस्ट लग रही है। एक्चुअली ओपन है ना, क्लीन करते होंगे तो भी। हाँ चलो चलो, इसको जाना अंदर फोटो निकालना। जब देख सकते हो आप, यहाँ पूरा पूरा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है। वहाँ पे वाटर है, वहाँ बोटिंग भी हो रही है, तो नाव चल रही है एक्चुअली, बोटिंग नहीं, क्योंकि गाँव कल्चर दिखाया हुआ है। और ये छोटी छोटी झोपड़ी बनी हुई है, बहुत क्यूट सी। फिर यहाँ सिटिंग प्लेस है, यहाँ से भी रास्ता है, हम इधर बाद में जाएंगे। इधर भी जा सकते हैं।
हाँ तो पहले यहाँ से जाके आते हैं ना। यहाँ जंगल देवता है, वहाँ वैष्णो देवी है, चलो पूछते हैं कितने लगते हैं। चलो भाई वोटिंग का मजा लेते हैं। वोटिंग शुरू कहाँ से कर रहे हैं? वोटिंग वो होगा वहीं से। पानी का फाउंटेन कर ले। तो यहाँ पूरा पानी है। जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था, तो यहाँ है राणा हमीर शासनकाल 1572। पे हल्दी घाटी की लड़ाई बताई जाएगी। इनका पूरा वीडियो लेना। देखो यहाँ से देखो, ये महाराणा प्रताप है। अच्छा। जंगल में छिपे थे ना जी जी, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। देखो बच्चा बच्चे क्लास की रोटी बना रहे, बना के थाली में डाले थे, उसको भी जंगली बिलाव ले गया। देखो ये बच्चा है अमर सिंह, कह रहा है ना पापा ले गया बिलावड़ा। अच्छा, ये इनका बॉडी गार्ड है, ये महाराणा प्रताप है। अच्छा, ये देखो ये है पन्ना दास दासी। महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह। उदय सिंह को मारने के लिए आया था, ये चाचा है बलबीर। बलबीर की शादी नहीं हुई थी ना, इसके जड़न हो गई, भाई बुढ़ा भाई की शादी हो जाएगी तो राजपाट चल जाएगा। तो ये मारने आया तो दासी ने अपना बच्चा रख दिया और उदय सिंह को छिपा दिया। अच्छा, तो मर गया दासी का बच्चा। दासी का बच्चा मर गया। अच्छा, फिर उदय सिंह बड़ा होकर उदयपुर घुसाया, फिर महाराणा प्रताप। अच्छा, तो ये सब हिस्ट्री है। हाँ, ये क्या राणा खुजरा भील है, ये जंगल में रहते थे, महाराणा प्रताप की सहायता करते थे। राणा पंजाब भील, हाँ, हथियार बना के देते थे, लड़ाई में साथ भी दिया था। राणा खुजरा भील है, ये अपने गाड़ी लुहार होते हैं ना, वो ऐसे ये आज भी घर बना के ले जाते हैं। 1576 में इनका ईयर था। हाँ, इनका राजपाट छीन लिया था आपका। इनका जो ईयर था, महाराणा प्रताप को पैसे दिए थे जंगल में 20,000 रुपए, जो सोना की मुद्रा चले थे, गोल्ड क्वाइन। अच्छा, पैसे आज अपन को गेहूँ मिलते हैं ना राशन के। हाँ। जी सुहाना, गौर से सुनिए, अभी आपके आएगा लेसन में। ये टर्न हो जाओ, ये महाराणा प्रताप को हाथ जोड़ के पैसे दे रहे हैं, ले लो सोना तैयार करो। गाड़ी वाले मतलब जो मेन जो घटना घटी है वो बताया है इसमें, यहाँ पे पूरा। नहीं, महाराणा प्रताप को महाराणा कैसे बनाया वो सारी स्टोरी समझाएंगे। ये सब लड़ाई है ना, गाड़ी वाले अकबर की सेना है, बिगड़ गाड़ी वाले महाराणा प्रताप। ये रानी पद्मावती का जोर है, देखो 16,000 दासियां कूद गई ना अग्नि में। पहले यहाँ से देख लो, ऐसे निकल गए, ऐसे निकले। अच्छा, ओके बेबी, यहाँ से निकले, फिर आगे तो क्या है, मंदिर है खाली, बालाजी का और कुछ नहीं। ओके, ये देखो ये जोर है पद्मावती। आइए, रतन सिंह जी मेवाड़ के राजा थे ना जी जी, उनके दो बीबी थी। अच्छा, बड़ी तो तारावती है, छोटी है पद्मावती। हाँ, देखो बड़ी तो ये बैठी नीचे, छोटी है ना पद्मावती, वो पीछे है ब्लू कलर में। अच्छा, वो पद्मावती जी। हाँ, ये बहुत सुंदर थी। हाँ, जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी है। हाँ, इसके पास में एक पंडित काम करता था ना। हाँ, जाके अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। अच्छा, बहुत सुंदर है। अलाउद्दीन खिलजी आया,
जब ये मेल में खड़ी थी, मेल के नीचे पानी था, पानी में पर्चा देखा था खाली, पर्चा देखने से मोहित हो गया। अच्छा, सिंह जी को तो मार दिया था, इसको पानी के लिए आया ना, इसके पास में एक तोता था, इरम नाम का। अच्छा, तोता ने सूचना दे दी, वह राजा खत्म हो गया, ये पहले गेट बंद कर लिया था। अच्छा, और फिर अग्नि की पूजा करके एक एक करके सब ने जोर कर लिया। हाँ, ये हुआ था चित्तौड़गढ़ में, वहाँ का नक्शा बनाया। अच्छा, ये पूरा लिया किया, पूरा ये सब ने जोर कर लिया। फोटो निकालिए ना, पिक मेरे पास एक भी नहीं है, आप पिक निकालिए। हाँ वही तो बोल रही हूँ। चतकोड़े पे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा, और हाथी पे बैठा ना पीछे, ये जयपुर का राजा है मानसिंह। मानसिंह के एक बुआ थी जोधा बाई, जो अकबर जी शादी कर दी। हाँ हाँ, वो देखो अकबर का सेनापति बन के आए थे मानसिंह, वो ऊपर जो हाथी पे, हाथी पे बैठा। हाँ हाँ, तो देखो हाथी रखे करता था ना घोड़े पे। हाँ, देखो जैसे घोड़े को मांस का मुकुट पहनाया हाथी को गुमराह करने के लिए। अच्छा हाँ, अभी ये मुकुट पहन के आया ना, तो हाथी देखा भाई अपना साथी है, नहीं किया चुपचाप खड़ा है, सिर पे चल गया। अच्छा, फिर भाला मारा था, 80 किलो का भाला है, हाथी चलाने वाला मर गया, और मानसिंह देखो गर्दन टेढ़ी कर ली, साइड से बाला निकल गया। अच्छा, फिर मानसिंह तो युद्ध छोड़ के भग गया था, पर चेतकोड़ा उतरा ना, जब हाथी पहचान गया भाई ये तो कोई और ही है, तो इसका सूंड में तलवार बांध रखी थी मानसिंह। अच्छा, चेतकोड़े का एक पैर काट दिया। हाँ, फिर ये घायल हो गया, सेना पीछे पड़ गई ना। हाँ, तीन पैर से राजा को लेके भगा था। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर के बीच में नाला आ गया 30 फुट का, उसके छलांग लगा दी। देखो महाराणा प्रताप को बचा लिया, अपने चेतक मर गया, फिर इसकी समाधि बना दी, वो समाधि आज भी है, ये जंगल में निकल गए, फिर वो घास की रोटी खाई थी, फिर धीरे धीरे घास फूस की रोटी से बीमारी हो गई, बीमारी के कारण मरी थी, लड़ाई में नहीं मरी थी। देखो 200 किलो का बेटा है इनका, 7.5 फुट के हाइट है, और 350 किलो वजन लेके चलते थे लड़ाई, 80 किलो का भाला है, 50 किलो की तलवार है, 50 किलो का मुकुट है, 150 किलो का कवच है, इनका सामान आज भी चित्तौड़गढ़ में नजदीक में पड़ा है। अच्छा, वो दिखाते नहीं है, दिखाते वो अल्बर्ट म्यूजियम। हाँ, नजदीक में है, गए जाते, पर हमको जाने ही नहीं मिला कल। हाँ, गए जाते हैं, आज भी देखते हैं, इनका ये सामान है। यस, गाइस देखिए, सो गाइस देखिए एलिफेंट राइड, हाँ बोटिंग हो रही है, भैया बोटिंग कहाँ से हो रही है? आगे से, यहाँ से नहीं? ओके, यह है जंगल देवता। आ तो यहाँ सब हिरन है, वे टू विलेज, गांव में जा रहे हैं अभी अपन। मेरी वाइट सैंडल की बैंड बज चुकी है। हाँ, तो हम जा रहे हैं अब विलेज में, अब देखते हैं विलेज में क्या है। बोटिंग कब करने आ रहे हैं? हम जा रहे हैं गाँव, तो हमारी एंट्री हो गई गाँव में, तो ये लेडी खड़ी है, अब ये गाँव की झोपड़ियाँ बनी हुई है, ये गाँव है। अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, नहीं तो एक एक जगह मैं वीडियोस निकालती। सो गाइस, इन्होंने प्लेसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्लीनिंग नहीं है, क्लीनिंग इन द सेंस डस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कहीं बैठने के लिए भी 10 बार सोचोगे, जो एंट्री पार्ट पे जो सिटिंग प्लेस है वो ही क्लीन है, अदरवाइज जो अंदर अंदर आप जाओ तो वो इतना क्लीन नहीं है, मतलब बहुत गंदा है, तो बैठने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है, मतलब बहुत डस्ट है, आप जब इतना चार्ज कर रहे हो तो सफाई भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए
बांसुरी बजा रहे हैं यहाँ पे। ये ज्योतिषी है, तो अब हम आ गए थोड़े से, यही कहीं बोटिंग हो रही होगी बेबी। ये कश्मीर है, तो ये कश्मीर है गाइस। सो गाइस जयपुर में कश्मीर का फील भी है। ये जो कश्मीर में होता है ना, नॉर्मल पानी के बीच में हाउस होते हैं वैसे बनाया हुआ है, लेकिन अंदर जाके कुछ भी फ़ोटो निकालने के लिए बहुत गंदा लग रहा था, बिकॉज सब में डस्ट था। मतलब कोई टच करने के लिए भी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इतना कुछ पिक नहीं क्लिक किया वहाँ पे। और ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, थोड़ा गाँव से थोड़ा अपग्रेड हो गया है, तो वो चीज़ें बनाई हुई है। ये हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए अंदर, और काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए, पर मेरा बेटा बहुत बोटिंग के लिए ज़िद कर रहा था, तो हम वहाँ पे चले गए बोटिंग करने के लिए। इनका है 20 रुपीज़ पर पर्सन, चाहे किड्स हो चाहे बड़े हो, किसी का भी कर रहे हैं, देखते हैं यही नाव में बैठेंगे। लाइन के लिए खड़े हो गए, बोट में बैठने के लिए लाइन लगी हुई है, उसमें खड़े हो गए, माहिर इरिटेट हो गए, बहुत मच्छर काट रहे हैं। हम लोग अभी बोट राइड में बैठे हैं बेबी। चलो माये की इतनी खुशी से बढ़कर नहीं है ना बेबी, टाइम खड़ा रहे, वर्थ इट। एक्चुअली बोटिंग के लिए बहुत देर रुकना पड़ता है, एक्चुअली बहुत 1% ही है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं, आपको जल्दी एक्सप्लोर करना है, तो प्लीज़ बोटिंग स्किप करिएगा। तो हमारी बोट अब स्टार्ट हो गई है। हाँ अभी पूछो, माहिर आर यू, सुहाना आर यू इंजॉइंग बेबी? हाँ अब इनका आएगा। माहिर तो बोटिंग के लिए परेशान था बाबा। हाँ अच्छा अच्छा सॉरी अच्छा, ये तो मैंने उधर सुन ली। हाँ मुंबई से तो हमने बोट का भी मजा ले लिया फाइनली है ना बाबू। यहाँ गेमिंग जोन है, सब गेम खिलाते हैं, तो सबके चार्जेस कुछ 5 रुपये 20 रुपये समथिंग कुछ है, 5 रुपये में 3 बार बॉल वाला। तो अभी सुहाना लगा रही है निशाना। Thank you.
मारो, हाँ हाँ ऊपर से, हाँ यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, सब सब आप खरीद सकते हो कुछ भी। डैडी और यहाँ गेम वाले भी है, डांस वाले हैं, यहाँ मुजड़ी है, यहाँ पानी है। सो गाइस यहाँ पे पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे पानी था और वो भी ग्लास अवेलेबल नहीं था, आपको नल से ही ऐसे ही हाथ से ही पीना था। और दूसरी बात, क्या आप इतने जगह प्लेस घूम रहे हो तो जगह जगह पे पानी होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो यहाँ पे सब क्राफ्ट आइटम्स वगैरह मिलते हैं, देखिए सब जितने भी राजस्थानी कल्चर के जितने भी ड्रेस, मुजड़ी एंड आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सब 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 यहाँ मिलेगा आपको, एवरीथिंग इज हियर। करने हैं एंड यहाँ पे खाना खाना है, इधर बैठ के खाना खिलाते हैं दो जगह पे, और एक जगह पे चेयर पे खिलाते हैं, जहाँ पे भी आपको खाना है सेम ही खाना है, तो हम लोग बैठ के खा रहे हैं पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल से। सुहाना इज़ वेरी अपसेट, सुहाना इंग्लिश होगी ना अंग्रेज़, सुहाना को नीचे बैठ के नहीं खाना है ना बाबू, सुहाना फॉरेन में जाएगी। आप देख सकते हो ट्रेडिशनल स्टाइल से हमें बैठना है, खाना है। माय हेयर, माय हेयर, खाना खाने, हाय, आर यू हंग्री, आपने डैडा को परेशान कर दिया, मम्मा को प्यार कर दो, मम्मा को प्यार कर दो, यहाँ प्यार कर दो, बोलो नो टाइम फॉर लव। गाइज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी ना, मंडे टू फ्राइडे आप आओ अगर आपको चौकीदारी आना है तो, वैसे घूम चलने के लिए बहुत है, अगर आप में एनर्जी है तो ही आप आइए, अदरवाइज़ आप स्किप करिए। पर पर्सन 800 है, किट का भी 800 है, किट इतना खाते हैं नहीं एक्चुअली, बड़े लोग भी इतना अंदर थक के कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो खाना इतना खाते नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। वैसे एक बार आप देख सकते हो, लेकिन सैटरडे संडे बिल्कुल मत आइए, बहुत रश होता है। अभी देखिए खाली है, आसानी से हमको लाइन नहीं लगाना पड़ा, आराम से हम खाना वाना खाने बैठ गए, अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है, देखते हैं लोग एक एक लाइन साथ में बिठाते हैं वेटिंग कर चलते हैं, तो फाइनली हमें खाना आ रहा है, देखते हैं हम। सो गाइज यहाँ पे अभी खाना सर्व होगा, तो ये दो कूलर रखे हुए हैं, एक में छाछ एक में पानी वो प्रोवाइड करेंगे, एंड काफ़ी सारी डिशेज उन्होंने दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिशेज हैं, अभी तो कितने के तो मुझे नाम भी नहीं आते हैं, तो आप देख सकते हो प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें। फाइनली बेबी, सो गाइस मैं अभी खाकर दिखाऊंगी क्या दाल बाटी उसमें मिक्स किया हुआ है। कड़ी अच्छी है, मक्की और मक्की की नहीं 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 सब्जी, कौन सी सब्जी है,
टॉफी वगैरह है। ये भी कौन सी सब्जी गट्टे की गाइस, सबसे ज्यादा जो टेस्टी है ना वो चूरमा है। वाओ, बहुत ज्यादा टेस्टी। ये खिचड़ी में देखिए कितना घी डाला है इन्होंने गाइस। ये मालपुआ बहुत टेस्टी है और चूरमा। तो यहाँ पे दो प्लेसेस है, एक सिटिंग प्लेसेस है, मतलब आप चेयर पे बैठ के खा सकते हो, और एक आप नीचे बैठ के खा सकते हो। तो हमने चूज़ किया था नीचे बैठकर खाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये अनलिमिटेड फूड मतलब बहुत ज़िद कर करके खिलाएंगे, जैसे आप गेस्ट हो और बार बार ज़िद कर करके आपको खिलाते हैं बहुत प्यार से। हम लोगों ने चौकीदानी में काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है अगर आपके पास एनर्जी है तो आप आइए, क्योंकि कॉस्ट बहुत है। खाना अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते। चूरमा है मालपुआ, हाँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाटी और दाल मुझे लगा बेटा जी। और अब हम जा रहे हैं, निकल रहे होटल के लिए। तो आज का दिन हमारा ऐसे बीता, तो चौकीदानी में हमें अच्छा लगा। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो कार से गए थे होटल से चौकीदानी तक, उसका चार्जेस हमने पे किया था 900। उन्होंने 1000 बोला था, लेकिन मैंने ऑलरेडी मेरी किसी से 800 की बात हुई थी, तो फिर बीच में 900 पे बात हुई। तो यहाँ पे ठहराना पड़ता है, हर कोई आपको देखेगा कि आपको पता नहीं, तो वो ज़्यादा पैसे ही बोलेंगे आपसे। और दूसरी बात, अगर आप ओला करोगे तो ज़्यादा बेटर है कार ऑप्शन के लिए, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम थोड़े वरीड थे कि रात में पता नहीं अवेलेबल मिलेगी क्या, नहीं ज़्यादा टाइम हो गया, यहाँ के लोग जल्दी ना सोते हो या जल्दी मतलब जाते ना हो अपने घर, इस ये सब सोच के हम लोगों ने कार ठहराई थी। जो आने जाने का चार्जेस 900 था, वो वहाँ पे वेट करते हैं। लेकिन जो हमारा कार वाला था वो बहुत इरिटेटेड था। उसने बोला क्या आपको 4 बजे, तो हमने बोला 4 बजे जाते चौकीदानी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है और हम थोड़ा लाइट में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें वीडियोज़ निकाल सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं वो 6 बजे ही खुलता है। दूसरी बात, जल्दी आना 9 बजे तक, क्योंकि हमारा टाइम उतना ही होता है, तो हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, उसने ऐसे बोला। तो उस चक्कर में हम काफ़ी चीज़ें और भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, काफ़ी चीज़ें थी। और चौकीदानी 4 to 12 खुला रहता है, मतलब 11:30 तक खुला रहता है। तो आप अगर आप जा रहे हो तो खुद का व्हीकल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ओला करके जाइए, मतलब बेफिक्र होके जाइए कि आप आराम से एक्सप्लोर करो और फिर आराम से आप घर जाओ, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये गाइस, चौकीदानी में हम लोग पर पर्सन 800 चार्ज करते हैं। जैसे 800 मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरी डॉटर का, मेरे बेटे का नहीं था, ये 800 उन्होंने चार्ज किया। लेकिन उसके कंपैरिजन में ना फैसिलिटी इतनी अच्छी है, ना फूड इतना अच्छा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जगह जगह में इतना लंबा प्लेसेस है घूमने के लिए, तो जगह जगह पानी का चीज़ें होनी चाहिए थी कि हर जगह वाटर अवेलेबल हो, और वो है ही नहीं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो। और ग्लास एक जगह हमें मिला वाटर काफ़ी चलने के बाद, जहाँ पे ग्लास भी अवेलेबल नहीं था, आपको हाथ से ही पीना था, तो किड्स कैसे पिएंगे, सबसे बड़ी बात मुझे वो लगी बुरी। और दूसरा, हर जगह डस्ट था कि आप कहीं पे भी बैठ नहीं सकते थे। जो स्टार्टिंग में था ना, वो काफ़ी क्लीन था ताकि मतलब लोगों को लगे बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर काफ़ी जगह जो देखने की है वहाँ पे इतना डस्ट था जैसे वहाँ पे क्लीन ही नहीं होता हो। मतलब इन लोगों ने सोचा कि वो गाँव का प्लेस बोल दिया है तो लोगों को यही लगेगा, मतलब कहीं पर टच करने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। अभी देखिए, इंजॉय तो मैंने फुल किया, आपको वीडियो में दिखेगा मैंने इंजॉय किया, क्योंकि किड्स है तो हम उनको इतना चीज़ें नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बच्चे उनको समझ नहीं आता है, वो इंजॉय कर रहे हैं तो हम भी इंजॉय करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो मैं तो कहूँगी ऐसी जगह पे जाओ, कोई रिसॉर्ट वगैरह जाओ। चौकीदानी मैं तो बोलूँगी, मतलब अगर आपका मन है एक बार देखने का तो आप डेफिनेटली जाओ, लेकिन आप पानी की बॉटल साथ में लेकर जाओ, आपके साथ बच्चे हैं या आप खुद भी हो तो पानी की बॉटल साथ में लेकर जाओ। दूसरी बात, वहाँ पे वॉशरूम अच्छे है, क्लीन है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन खाना जो 800 पे वो दे रहे हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। खाना आपको 800 में दे रहे हैं, वो बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी, लेकिन टेस्ट में सिर्फ मालपुआ चूरमा एंड दाल बाटी ओके, बाकी जितनी सब्ज़ी वगैरह जो था, खिचड़ी था, मतलब वो इतना नहीं अच्छा लगा। मे बी मेरे लिए राजस्थानी फूड नया था, लेकिन मैंने और भी चीज़ें यहाँ बॉम्बे में भी खाई है राजस्थानी फूड में, मेरे नेबर में भी, मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन वहाँ का वो टेस्ट मतलब 800 के हिसाब से अच्छा नहीं लगा। पूरा वेज था, तो वेज थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, आप 17 चीज़ें दे दो लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होगा तो फिर वो मज़ा नहीं है ना।
मतलब एंड ऑफ फूड हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है फूड के लिए कि हाँ लास्ट में हम जब खाना खा रहे हैं तो वो अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हो प्लेट में इतना सारा खाना दिया हुआ है, इवन छाछ भी दिया है, छाछ भी नहीं अच्छा था। वो सब में सिर्फ मैंने चूरमा और मालपुआ खाया है और दाल बाटी, बाकी सारा मेरा प्लेट में जो खाना वैसे का वैसे ही था क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, तो वेस्ट ऑफ हो गया। और दूसरी बात, उसी में वो हाथ धुला देते हैं, मतलब ऐसा हो कि अगर वेस्ट खाना बचे तो आप किसी गरीब को दे दो, वो उसी में हाथ धुला देते हैं, वो पूरा फूड वेस्ट हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 800 पूरे वेस्ट हो रहे हैं, कि अगर आप नहीं खा रहे हो तो कोई और भी नहीं खा रहा है। वो ऐसे वो किड्स को भी देते हैं, हर किसी को देते हैं, बच्चा इतना खाना नहीं खाता है। मेरे बेटे को उन्होंने इतना सारा खाना दे दिया, वो बच्चा खाएगा उतना खाना, उसने नहीं खाया, वो छोड़ दिया और मैंने इवन छोड़ दिया। मतलब 800 रुपीज़ में गाइस अंदर चीज़ें देखने के लिए बहुत है, लेकिन अंदर आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग चार्जेस पे करने हैं, जैसे 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 10 रुपीज़। आप अगर सोचोगे तो फिर कितना हो जाता है, 800 रुपीज़ पर पर्सन पकड़ो और 20 रुपीज़ से काफ़ी चीज़ें अंदर सोचो तो कितनी सारी चीज़ें होती है। और आप कुछ ना कुछ तो खाओगे जब एंटर करोगे, तो आपके पैसे उसमें कितने जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं अगर आप काउंट करो तो। और अंदर जो गाइड था जिसने हल्दी घाटी का पूरा हमको एक्सप्लेन किया, उस वो कैसे है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं ना, अलग अलग चार्जेस। जैसे हमने एंट्री किया, जिसने ढोल बजा रहे थे उनको हमने 20 रुपीज़ दिया, जिसने टीका लगाया उसको 20 रुपीज़ दिया, प्लस जिसने हल्दी घाटी का पूरा गाइड की तरह हमें बताया उसको हमने 50 रुपीज़ दिया, फिर जो खाना खिला रहे थे इतने अच्छे से उनको 100 दिया। अगर वो भी आप चार्ज कर देखो तो कितना हो जाता है। अभी जैसे आपको इतना एम्बेरस फील करवा देंगे ना, आपको देना ही होता है। अभी जैसे हमारे पास थे तो हमने दे दिया, किसी किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब वो कट टू कट वहाँ सोच के आते हैं कि हम इतना ही खर्चा करेंगे, और वो इतना एम्बेरस कर देते हैं सबके सामने, ऐसे खड़े हो जाते हैं, और हमको अच्छा भी नहीं लगता है, कि हमको ऐसा लगता है देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। जब आपको सैलरी मिल रही है तो ये स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए कि आप किसी से कुछ मांगो नहीं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी अंदर खर्चा है गाइस। तो 800 के अलावा भी अगर समझो आप पर पर्सन पे ना आप 1000 रुपीज़ खर्चा कर देते हो अंदर जाके, और प्लस फूड भी अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी लिटरली गाइस। सो गाइस मेरा एक्सपीरियंस तो ओके था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ओके था, क्योंकि बच्चे थे साथ में तो अच्छा लग रहा था हमें। लेकिन अगर कोई सोच रहा है जाने के लिए तो मैं तो कहूँगी काफ़ी बार वो सोचे और काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचे। एक तो अंदर बहुत चलना है, पानी अगर आप जा रहे हो तो आप पानी की बॉटल अपने साथ में लेके जाइए। दूसरा, आप ये मत समझिए कि सिर्फ 800 में एक पर्सन का होगा, आपका समझ लीजिए एक जन का 1000 रुपीज़ तो जाएगा ही अंदर सारी चीज़ें एक्टिविटी वगैरह करने के बाद। और बोटिंग अगर आप कर रहे हो तो माइंड में ध्यान में रखिए कि आपको 30 मिनट 45 मिनट वेट करना होगा, उसके बजाय आप काफ़ी और चीज़ें एक्सप्लोर कर लोगे जो कि हमसे स्किप हो गई। बस गाइस इतना ही कहना था। आई होप मेरा रिव्यू एंड फुल वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।